वीरू, बापा है ना, सब देख रहे हैं। अगर तूने सही को जाने दिया ना, तो वो तुझे कभी माफ नहीं करेंगे, कभी माफ नहीं करेंगे, देख लेना, कभी नहीं। देवी ताई, विराट क्या आपको स्कूल जाने वाला बच्चा लगता है जो आपकी इन धमकियों से डर जाएगा और आप जो बोलेगी वो कर देगा? तू कौन होती है हम दोनों के बीच में बोलने वाली? हाँ ताई, मैं अपने भाई से बात कर रही हूँ ना, तू बीच में क्यों बोल रही है? ताई रुक। मधुलेखा, तू है ना बहुत गंदी है, तू गंदी है, गंदी है, गंदी है। मुझे तो ऐसे लगता था सिर्फ मेरी आई गंदी है, तू तू तो मेरी आई से भी गंदी है, तू सबसे गंदी है, गंदी गंदी गंदी। कभी कभी तो मुझे लगता है कि सई ने इस घर के कुछ लोगों को मेरी इंसल्ट करने की ना प्रॉपर ट्रेनिंग दी है। नहीं सुनना है मुझे तेरी कोई बात। तू मुझे बुद्धू समझती है ना? हाँ मुझे पता है तू मुझे बुद्धू समझती है, लेकिन मैं बुद्धू नहीं हूँ पत्रलेखा, मैं इतनी भी बुद्धू नहीं हूँ। मुझे पता है तू ये बोलना चाह रही थी ना कि सई ने मुझे ट्रेनिंग दी है तेरी बेइज्जती करने के लिए। हाँ पत्रलेखा, तू है ना, तू सई के बारे में सिर्फ बुरा ही सोच सकती है और तू सई का बुरा ही चाहती है। मुझे सब पता है कि तू क्या करना चाह रही है पत्रलेखा। पर वीरू, तू क्यों नहीं समझ रहा? इसके पहले कि सई यहाँ आई, मुझे अभी कुछ समझना ही नहीं, बस हो गया। सई के मन में अब जो आता है वो कर सकती है, वो करे। सही हमेशा से अपने मन की तो करती आ रही है विराट, उसने आज तक कभी किसी और को समझने की कोशिश की है? नहीं ना, उसका इस घर में और घर वालों के साथ मनमानी करना कोई नई बात नहीं है, और हमेशा ऐसे खुद से पहले दूसरों के बारे में सोचना, ये सब एक दिखावा है विराट। जैसे उसके हिसाब से तुम दोनों की शादी उसके लिए दिखावा है। देखना वीरू, तू पछताएगा, तू बहुत पछताएगा। सही जो भी सोच रही है या वो जो भी करने वाली है ना, वो बिल्कुल सही है। और ये पत्रलेखा है ना, ये बिल्कुल गलत। मैं क्या कर रही हूँ अभी? तुझे है ना, कभी ना कभी ये जरूर समझ में आएगा। और पत्रलेखा, तू तू गंदी है, गंदी है, गंदी है। I hate you पत्रलेखा, I hate you। ताई, अगर हर मामले में हमेशा सही ही सही होती है तो उसके बारे में मुझसे बात करने के लिए आई क्यों है? वीरू, तू मुझसे ऐसे कैसे बात कर रहा है? तुझे पता है अगर मुझे कोई तकलीफ होती है या मैं परेशान होती हूँ ना, तो पुलकित मुझे संभालता है, क्योंकि वो मेरा पति है ना, और सही का पति तू है। पति? और सही तकलीफ में है वीरू, तो तू अगर नहीं उसे संभालेगा तो कौन संभालेगा, बोल। लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुझे उससे कुछ फर्क पड़ता है। मुझे फर्क नहीं पड़ता। ताई, क्या सई को फर्क पड़ता है? क्या उसे मेरी परवाह है? ताई, तूने नहीं देखा है वो किस तरह से मेरे साथ बर्ताव करती है? ताई, तू मुझे कह रही है कि मैं उसे रोक लूं, लेकिन तू ये खुद भी जानती है कि अगर सई खुद रुकना नहीं चाहती ना, तो कोई उसे रोक नहीं सकता। तू तेरी शादी की बात याद कर ले, तेरी शादी के लिए मैंने उसे मना किया था, पूरे परिवार ने उसे मना किया था, लेकिन हम सबके खिलाफ जाकर फिर भी उसने तुझे भगाया था। भगाया था कि नहीं? हाँ, लेकिन अगर वो मुझे नहीं भगाती तो मेरी और पुलकित की शादी नहीं होती। होती क्या? तू भी आया था ना मेरी शादी रोकने, आया था कि नहीं? ताई, तू गलत समझ रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सई ने तेरी और पुलकित की शादी करवा के कुछ गलत किया है। मैं बस इतना कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर सई ने कुछ ठान लिया है ना, तो वो करके रहेगी, और मैं उसकी इस हरकत से परेशान हो गया हूँ, थक गया हूँ मैं।
और मैं उसके पैर पकड़ के मिन्नत नहीं करने वाला, उसे मनाने नहीं वाला हूँ। बस हो गया, ये सब मुझसे नहीं होगा, जो करना है वो करे। तू सही के बारे में ऐसे बात करेगा ना तो मैं तुझसे कट्टी हो जाऊं। मैं कभी सही बोलना तुझे बरोबर, कभी मैं तुझसे बात नहीं करूंगी। देवी ताई, आप अपने भाई की बजाय सही का साथ क्यों दे रही हैं? मैं अपने भाई से बात कर रही हूँ ना पत्रलेखा, तो तू हम दोनों के बीच में ना क्यों गुजर रही है? हाँ? अरे और वीरू, तू तू अपनी ताई से ज्यादा अब इसकी बात सुनने लगा है? तुझे ऐसा लगता है? तू गलत मत समझता है। नहीं, मैं सब समझ गई हूँ। रहने से तो अच्छा है कि मैं जाके सही की मदद करती हूँ। जा रही हूँ मैं। ताई, सही की मदद? क्या मदद करेगी तू उसकी? कुछ नहीं, कुछ नहीं। वो मैं तुझे नहीं बता सकती। वो मेरे और सही का सीक्रेट है। और सही ने ना उसपे ताला लगा दिया है। और मैं ना अब डम डम डिगा 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 डम डम नहीं बोलूँगी। लगता है सई और देवी ताई के बीच में कुछ खिचड़ी पक रही है। विराट, जरूर सई ने इन्हें तुम्हारे पास भेजा होगा अपनी वकालत करने के लिए, क्योंकि वो बहुत अच्छे से जानती है कि तुम देवी ताई की बात कभी नहीं टालोगे। वो इनकी मदद से तुम्हें डराना चाहती है, तुम्हारे मन में ये डालना चाहती है कि वो ये घर छोड़कर चली जाएगी। तभी तो तुम भागते हो उसके पास जाओगे और उसके पैरों में गिरकर उससे रुकने की मिन्नतें करोगे। विराट, ये सब गीदड़ धमकी है। सई कहीं नहीं जाने वाली। अगर उसे जाना होता ना, वो कब की जा चुकी होती। वो रुकती नहीं। पत्रलेखा, तू सई के बारे में इतना गंदा क्यों बोलती है? बहन, तू गंदी है, गंदी है, गंदी है। वीरू, बता दे इसे कि हमारी सई है ना, हमारी सई ऐसी बिल्कुल नहीं है जैसे ये बोल रही है। मैं बता दूंगा ताई, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, तू हमेशा पाखी के साथ इतनी बदतमीजी से पेश क्यों आती है? हाँ, ये मुझसे बात कर रही है ना, तो मैं जवाब दे दूंगा उसे। पाखी है ये, हमारे सम्राट की बीवी है, हमारे सम्राट की। और सही तेरी बीवी है वीरू। बीवी? तुझे मुझे जितना डांटना है ना डांट ले, मैं नहीं डरती। लेकिन कोई भी खुश करके ये गंदी पत्र लेखा, अगर इसने सही के बारे में कुछ भी बोला ना, तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी, समझ लो? देवी ताई, ये सवान परिवार का मामला है ना, तो फिर आप इसमें दखल क्यों दे रही हैं? क्या मतलब? मैं भी सवान परिवार का हिस्सा हूँ ना। देवी ताई, शायद आप भूल रही हैं कि अब आप दिव्यानी सवान नहीं, दिव्यानी देश पांडे हैं। और अब तो आप इस घर में भी नहीं रहती। देखा वीरू, क्या बोला इसने? अगर मेरी शादी हो गई तो मैं जवान परिवार का हिस्सा नहीं हूँ। अरे ऐसा नहीं है ताई, तू इतने टाइम से यहाँ नहीं रहती थी, तुझे नहीं पता सही और मेरे बीच में कितना कुछ हो गया है। इससे बेहतर ये होगा कि तू प्लीज इसमें मत बोले ये सब। अरे तू मेरा वीरू नहीं है, नहीं है तू मेरा वीरू। मेरा भाई ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरा भाई नहीं हो सकता। ताई सुनना, वीरू अब तू भी है ना इसके जैसे बातें करने लगा, इसके जैसे सोचने लगा। मैं सम्राट को जाके बता दूंगी कि तू कितना बदल गया। जब उसे पता चलेगा ना कि तू सही के बारे में क्या बातें कर रहा था, तब वो तुझे ठीक करेगा। ताई सुनना मेरी बात, देख ताई। सही की वजह से मैंने अपनी ताई का दिल दुखाया। अभी तो बस शुरुआत है विराट, जल्दी तुम्हें एहसास हो जाएगा तुम्हारी पसंद कितनी गलत थी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।